क्या रूस की सत्ता छोड़ना चाहते हैं पुतिन? क्या सत्ता छोड़ने के लिए बीमारी ने किया मजबूर, या पारिवारिक दबाव में पुतिन ने छोड़ा सत्ता का मोह? दोस्तों, लंबे समय से रूस की सत्ता में काबिज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सत्ता छोड़ सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं। पुतिन को पार्किंसंस नाम की एक बीमारी है। कहा जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड अलीना कबाइवा और उनकी दो बेटियां पुतिन पर राष्ट्रपति का पद छोड़ने का दबाव बना रही हैं। पुतिन जनवरी में पद छोड़ सकते हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक संविधान संशोधन के जरिए 2036 तक पद पर आसीन रहने योग्य हो गए थे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक ने उनके भविष्य के बारे में हैरान कर देने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि पुतिन अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसकी वजह होगी उनकी बिगड़ती तबीयत। पुतिन के आलोचक वैरली सोलोवी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति कैंसर से पीड़ित हैं। वैलरी पहले ये दावा भी कर चुके हैं कि पुतिन को पार्किंसंस डिजीज है। वैलरी ने दावा करते हुए कहा कि अगर किसी को सटीक जानकारी चाहिए तो वो डॉक्टर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नैतिक रूप से इस बारे में बताने का अधिकार उन्हें नहीं है। वैलरी ने पहले दावा किया था कि इस साल फरवरी में पुतिन की सर्जरी हुई थी। वैलरी को सितंबर में हिरासत में लिया गया था, जब वो विपक्षी पार्टी के सदस्य सर्जेई फुर्गल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जबकि मॉस्को के राजनीतिक वैज्ञानिक वेलेरी सोलोवी ने दि सन को बताया कि रूसी राष्ट्रपति की 37 वर्षीय प्रेमिका अलीना काबेवा और उनकी दो बेटियां उन्हें पद छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर उनके परिवार का बेहद प्रभाव है। उनके परिजन चाहते हैं कि वो अपना पद छोड़ दें ताकि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके। सूत्रों के मुताबिक पुतिन की गर्लफ्रेंड जिम्नास्ट अलीना कबाइवा और उनकी दो बेटियों ने उनसे इस्तीफा देने की अपील की है। पुतिन ने जनवरी में ही अपने हैंडओवर प्लान को सार्वजनिक करने का इरादा जताया था। सोलोवी ने यह भी दावा किया कि पुतिन पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उनमें इस बीमारी के लक्षण देखे गए थे। दिसन की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में पैरों के लगातार कांपने की समस्या से जूझते हुए नजर आए थे, जो इस बीमारी का लक्षण है। पुतिन के बाद किसे मिलेगी रूस की सत्ता? अभी कुछ समय पहले ही रूस के निचले संसदीय हाउस में उस बिल को समर्थन मिला था जिसमें पुतिन और उनके परिवार को आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा मिली थी, भले ही वो राष्ट्रपति ना हो। तब पुतिन के आलोचकों ने सवाल किया था कि उन्हें ऐसे कानून की क्या जरूरत है। दरअसल क्रेमलिन के ऊपर आलोचक अलेक्सेई नवलनी को जहर देने का आरोप है। अलेक्सेई जर्मनी में इलाज के बाद ठीक हुए थे। पुतिन के राष्ट्रपति पद से हटने की स्थिति में कौन कमान संभालने का उम्मीदवार होगा, वैलरी इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस लिस्ट में पुतिन की बेटी कैटरीना भी शामिल हैं। वो फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं। इससे पहले वो तब चर्चा में आई थी जब देश के कोरोना वायरस वैक्सीन का उन पर ट्रायल किए जाने का दावा पुतिन ने किया था। पुतिन के अलावा इस साल पीएम पद से इस्तीफा दे चुके दिमित्री मेदवेदेव और देश के कृषि मंत्री दिमित्री पत्रुशेव भी दावेदार बताए जा रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन के बीमार होने या इस्तीफा देने की अटकलों को खारिज किया है। हालांकि दुनिया भर में ये चर्चा तेज है कि पुतिन अब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे। ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह तब से बढ़ने लगी जब रूस में राष्ट्रपति को आजीवन मुकदमों से बचाने के लिए नया विधेयक पेश किया गया। नए विधेयक के मुताबिक पद छोड़ने के बाद भी रूसी राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा नहीं किया जा सकेगा और न ही पुलिस पूछताछ कर सकेगी। राष्ट्रपति के परिवार के लोगों को भी ऐसी ही छूट मिलेगी। क्या होती है पार्किंसंस डिजीज? अधिकतर लोगों के लिए पार्किंसंस डिजीज एक नया नाम हो सकता है, इसलिए वो इसके लक्षणों की पहचान भी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इसका इलाज करवाना भी कठिन हो जाता है। लेकिन आजकल इस बीमारी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि दुनिया के ताकतवर लोगों में शुमार रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस बीमारी से जूझ रहे हैं। दरअसल एक शोध के अनुसार दुनिया में पार्किंसंस रोगियों की संख्या करीब 6.2 मिलियन है और उनमें से लगभग 1,17,400 रोगियों की मौत हो चुकी है। इस शोध से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बीमारी कितनी भयंकर हो सकती है, और जब ये बीमारी किसी ताकतवर देश के राष्ट्रपति को हो जाए तो और बड़ी परेशानी बन जाती है।